Hi everyone. Today in this video, students, we are going to study the construction part of two types of circle, that is in circle and circumcircle. It's very interesting also and scoring also. So before going to construction part, let us see what is the meaning of circumcircle and in circle. Agar hum circumcircle draw kare, now I will draw two types of circles. Now see students here. Now if I draw a triangle, see here, in both the cases I will draw triangle. और दोनों में हम differentiate करेंगे. See here also I am drawing a triangle. दोनों में difference क्या है? तो इसमें ट्राइंगल के जो वर्टाइजेस हैं, जिसको हम वर्टाइजेस बोलते हैं, ए बी और सी, इस वर्टाइसेस को सर्कल पास थ्रू द सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज वर्टाइसेस. ओके, और इस केस में क्या है, तो इसमें द सर्कल इज टचिंग द थ्री साइड्स ए बी बी सी ए सी. तो जहां पर वर्टाइसेस से पास होता है, that is called circumcircle. और जहां पर sides को touch करता है, we call it as in circle. Okay? इसके center को हम कहते हैं circumcenter. और इसके circle को कहते हैं in center. ओके अच्छा, अभी मेन चीज कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या याद करना है. कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सर्कम सर्कल में पे अटेंशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल, और इन सर्कल में आपको एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ये है बेसिक टू ड्रॉ कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल. अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो, हिंट देते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं ना, तो सीपी, जैसे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सी फॉर सर्कम सर्कल, पी फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, एंड हियर एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस, I for in circle, A for angle bisector. So this way also you can go through. Okay? So students, before going to construction part, again I am revising. Circumcircle के लिए आपको perpendicular bisector draw करना है, और in circle के लिए आपको angle bisector और एक perpendicular. But first we will concentrate on angle bisector. Now before going to 6.3, पहले मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाती हूँ. एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस कंस्ट्रक्शन पार्ट, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू. एंड एंगल बाइसेक्टर आल्सो वी विल गो थ्रू. ओके, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल. एवरीबडी नोज हाउ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. एट स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं, सेवेंथ और एट्थ में, फिर भी हम ड्रॉ करेंगे. ए बी, इफ मेजरमेंट इज गिवन इट्स ओके, but if it is not given then you can take your own measurement, then you will take a compass or draw karenge a triangle. Acute hai to acute draw karo, obtuse hai to obtuse draw karo. ये हमारा है ट्राइंगल. नाउ हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन ट्राइंगल चैप्टर, बट अगेन आई एम रिवाइजिंग इट. आपको अगर ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो कंपास को बी पर रखो, टेक मोर देन हाफ,
टेक मोर देन हाफ एंड ड्रॉ आर्क ऑन बोथ द साइड्स. डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट ऑन ए एंड कट द आर्क. नाउ यू विल जॉइन दीज टू पॉइंट्स. दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ वी विल ड्रॉ बीसी. बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे? मोर देन हाफ, कटिंग ऑन बोथ द साइड्स. डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट ऑन सी, कट द आर्क एंड देन जॉइन दीज टू पॉइंट्स. This is your perpendicular bisector. So hope so that you have understood how to draw perpendicular bisector. Now we will draw angle bisector. जैसे हमने एक triangle draw किया, जैसे अभी हमने previous इसमें perpendicular में draw किया था, आप एक triangle draw करोगे. Measurement दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से measurement ले सकते हो. You can use protractor also to draw an triangle. कोई भी एक measurement का angle draw कर. अब हम इसका angle bisector कैसे draw करेंगे? Please concentrate. आप जैसे अगर हमको R का angle bisector draw करना है, तो आप क्या करोगे? R पे रखो, कोई भी measurement लो, और या तो आप पूरा cut करो, या तो आप ऐसे दो arc cut करो. ओके okay? इस तरह आप कट करोगे. देन कीप द पॉइंटर ऑन दिस आर्क, इंक्रीज द मेजरमेंट एंड कट एन आर्क. डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट दिस साइड एंड कट एन आर्क. नाउ यू विल जॉइन दिस पॉइंट विथ वर्टेक्स आर, एंगल आर. सो दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर. This one. अगर आपको Q का angle bisector draw करना है, take any measurement, keep it on Q, cut an arc. Now keep it on this arc, keep it on this arc, increase the measurement. एक arc cut करो, don't change it, keep it on the other side and cut an arc. Now you will join this Q and this point. So this is the angle bisector. इसको हम angle bisector बोलेंगे. So here I have drawn angle bisector and here I have drawn perpendicular bisector. ये हमारा basic है. जिसको ये basic आ गया वो easily circumcircle और incircle कर सकता है. अच्छा, एक और बेसिक हमें आपको बताना है, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. ओनली परपेंडिकुलर, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर. सो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन. जैसे अभी हमने ये बेस लिया और एक पॉइंट यहां पे ड्रॉ किया है पी. दिस इज द बेस ए बी. ए बी अभी हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि आई विल टेल यू इसका रोल आपको इन सर्कल में आएगा, इसलिए हम आपको ये तीनों बेसिक पहले पढ़ा लेंगे. तो आप क्या करो, कंपास को पी पे रखो और दो आर्क ए बी पे कट करो. देन कीप द कंपास ऑन दिस आर्क, टेक मोर देन हाफ एंड कट ऑन द अदर साइड. डोंट चेंज द मेजरमेंट, keep it here and cut an arc. Now you will join this point with point P. So this is your perpendicular line, not perpendicular bisector, only perpendicular. तो आपको ये method in circle में आएगा, इसलिए पहले ही ये तीनों basic अच्छे से देख लेना, समझ लेना. Okay? Now we will move to the main part, how to draw circumcircle and in circle. Now see the first question. Construct triangle ABC such that B is 100, BC is 6.4, C is 50
एंड कंस्ट्रक्ट इन सर्कल. अब यहां पर आपको क्या ड्रॉ करना है बेटा, इन सर्कल. फर्स्ट वी विल ड्रॉ रफ डायग्राम. अभी इन सर्कल कहा है ना उसने, इसका मतलब ये तीनों साइड को टच करता है और बी इज 100 डिग्री, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह है. नाउ वी विल ड्रॉ, फर्स्ट वी विल ड्रॉ ट्राइंगल. ओके, सिक्स पॉइंट फोर वी विल ड्रॉ बेस. दिस इज 6.4. सेंटीमीटर. देन वी विल टेक प्रोट्रैक्टर. बेटा प्रोट्रैक्टर बी पे रखो और 100 डिग्री लो. 100 इज ऑब्ट्यूज, सो जॉइन दिस बी एंड दिस पॉइंट जॉइन करो. एंड सी इज 50 डिग्री. 50 इज एक्यूट, इट विल कम हियर. नाउ वी विल जॉइन इसे, एक्सटेंड करो. नाउ वी विल जॉइन दिस सी एंड दिस पॉइंट. ओके, ये हमारा बेस है. अब हमें इन सर्कल ड्रॉ करना है. तो इन सर्कल के लिए टीचर ने क्या कहा था, एंगल बाइसेक्टर. इन सर्कल के लिए क्या कहा था बेटा, एंगल बाइसेक्टर. सो वी विल डिसाइड एनी टू एंगल्स. चलो हमने बी और सी को सिलेक्ट किया. अब बी और सी का हम क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर सॉरी. तो एक आर्क ड्रॉ करो, आग को यहां रखो, थोड़ा सा मेजरमेंट इंक्रीज करो, डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट हियर एंड देन जॉइन दिस पॉइंट. वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट. नाउ अगेन द सेम प्रोसेस यू विल डू इट फॉर बी. बी पे रखो, आग कट करो, ड्रॉ एन आर्क एंड देन कीप द आर्क हियर, पॉइंटर हियर. आग कट करो, डोंट चेंज द मेजरमेंट, अगेन कट इट. नाउ जॉइन बी. ये आपको मिला आपका सेंटर ओ. ये जहां इंटरसेक्ट हो रहा है ये आपका है सेंटर ओ, इन सेंटर. अब रेडियस के लिए आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. वो कैसे करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया है, फिर भी हम बताएंगे आपको. यू विल कीप द पॉइंटर हियर. नाउ सी द थर्ड स्टेप केयरफुली. यू विल कीप द पॉइंटर हियर. ओके, और ये बेस पर आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे. विल कीप द पॉइंटर हियर और एक कोई भी मेजरमेंट लेके आप बेस पर दो आर्क कट करेंगे. ये एक आर्क और यहां एक आर्क. देखो अब ये बीसी के बाहर गया ना, देख के डरो मत. आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो. नाउ जहां पर आग कट हुई है ना, पॉइंटर को वहां पे रखो. टेक मोर देन हाफ एंड कट इट ऑन अपोजिट साइड. जहां कट हुआ है बेटा, जहां इंटरसेक्ट हुआ है, आपने वहां पर परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करनी है. ओके साहब,
अगेन आई एम शोइंग यू दिस स्टेप. आप कंपास को ओ पे रखोगे और दो आर्क कट करोगे बेस पर, फिर आप कंपास को इस आर्क पर जहां पर आपने कट किए वहां रखोगे. टेक मोर देन हाफ एंड कट इट ऑन द अपोजिट साइड. डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट ऑन दिस आर्क एंड अगेन ड्रॉ एंड देन जॉइन. अब हम ये किसके लिए करते हैं? टू गेट द रेडियस. अब ये जो ओ एम मिला है ये हमारा रेडियस है. नाउ यू विल कीप द पॉइंटर, दिस इज योर रेडियस. नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ अ सर्कल सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, इजीली यू कैन ड्रॉ. सी यू. सॉरी, इन सर्कल. इट शुड टच ऑल द थ्री साइड्स. सो इट शुड टच ऑल द थ्री साइड्स of a triangle. See it. It should touch all the three sides of a triangle. Okay? So this is the way you will construct in circle. Now see the third question. Second question is related to circumcircle. Pehle hum in circle draw karenge. Construct triangle XYZ, XY 6.7, YZ 5.8, XZ 6.9. You have to construct its inner circle. Okay? So first we will draw triangle. Now first we will draw the base. Any base you can take. You can take any base. If we say XY hum lenge, to 6.7. ओके, वी विल ड्रॉ 6.7. देन पहले आप नेमिंग दो एक्स वाई. देन यू विल टेक कंपास और कंपास पे आप लोगे 5.8. कीप इट ऑन वाई. कट दिस. यू हैव टू टेक 5.8. नाउ यू विल टेक 6.9. कीप इट ऑन एक्स एंड टेक 6.9. नाउ यू विल जॉइंट इट. आप इसे क्या करोगे? जॉइन करोगे. So this is your required triangle. इसको naming दो Z, 6.9, 6.7 and 5.8 centimeter. अब हमें इन सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करना है. सो वी विल चूज दिस एक्स एंड वाई. ड्रॉ एन आर्क. कीप द पॉइंटर हियर. टेक Increase the measurement. Arc draw karo. Don't change the measurement. Keep it here and cut it. Now you will join X and Y. I'm sorry, X and Y, not this intersecting point. Now same measurement, same method. You will take it for X. Draw an arc. ओके, नाउ यू विल कीप योर आर्क तक रखोगे और मेजरमेंट इंक्रीज करके एक आर्क ड्रॉ करोगे. डोंट चेंज द मेजरमेंट. कीप इट हियर एंड कट अनदर आर्क. अब आप क्या करोगे? जॉइन करोगे यहां पर. दिस वे
Now you got a center, in center. अब आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. कैसे ड्रॉ करोगे, पॉइंटर को ओ पे रखो और दो आर्क बेस पर ड्रॉ करो. नाउ कीप द पॉइंटर हियर, टेक मोर देन हाफ, कट इट ऑन अपोजिट साइड, डोंट चेंज द मेजरमेंट, कीप इट हियर एंड कट इट. नाउ जॉइन दिस ओ और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस इज योर रेडियस. अब हम इसका इन सर्कल ड्रॉ करेंगे ओ पर रखकर. नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट इन सर्कल. सो वी विल टेक दिस इन सेंटर एंड दिस इज द रेडियस. दिस इज द रेडियस. देखो आप बराबर से टच हो रहा है या नहीं. हाँ हो रहा है. बस पहले चेक करोगे और उसके बाद वी विल ड्रॉ द सर्कल. दिस इज द वे वी विल ड्रॉ इन सर्कल. पहले दो एंगल बाइसेक्टर, फिर एक परपेंडिकुलर एंड देन we will get the in center radius and then we will join the circle. Okay, so this is question number 3. Now we will move to circumcircle. Now see this question, question number 2. Construct triangle PQR. P70, R is 50 and QR is 7.3. beta agar hum log rough diagram draw karenge तो आपका बेस एक ही है जो क्यू आर है. आपका बेस सिर्फ क्यू आर है. सो इफ यू विल सी द बेस इज क्यू आर. अब बेस अगर क्यू आर है तो एंगल भी क्यू होना चाहिए, जबकि आपके क्वेश्चन में एंगल क्यू नहीं है. एंगल पी है और एंगल आर है. तो एंगल क्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ मेजर्स. How we will find it out? By sum of measure. See you. See you. Angle P plus angle R plus angle Q is 180 degree. Reason is sum of measures of angles of a triangle. 70 plus 50 plus angle Q is 180. Angle Q is 180 minus 120. ये 120 है ना, यहाँ पे shift किए. Therefore angle Q is 60 degree. Now we got angle Q as 60 degree. And what is the meaning of circumcircle? जिसके triangle के vertices circle को touch होते हैं. तो what will, how will be our rough diagram? See here. पहले आप सर्कल ड्रॉ करोगे रफ डायग्राम के लिए, फिर आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे. सो दिस इज योर बेस क्यू आर. क्यू इज 60 डिग्री, क्यू आर इज 7.3 सेंटीमीटर एंड आर इज 50 degree and P is 70 degree. So this is your rough diagram of circumcircle. Now we will draw construct circumcircle. Okay. First we will draw the base of 7.3. 7.1, 2 and 3. 7.3 is here. So this is our base. QR 7.3 centimeter. Circumcircle easy hai as compared to in circle. Phir aap loge how much? 60 degree. So 60 degree is here. Joint it. First you will join. Phir R kitna hai beta? 50 degree.
this is 50 degree, sorry. So this is your P, this is 60 degree and this is 50 degree. अभी सर्कम सर्कल में हमको क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो कोई भी दो साइड सिलेक्ट करेंगे. चलो हम सिलेक्ट करेंगे पी क्यू और पी आर. तो पहले हम पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. टेक मोर देन हाफ, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड, डोंट चेंज द मेजरमेंट, डोंट चेंज द मेजरमेंट. ज्वाइंट इट, ज्वाइन करते वक्त पहले आप चेक करोगे दोनों पॉइंट और फिर ड्रॉ करोगे. सो दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सेम मेथड यू विल डू इट फॉर पी क्यू. आप क्यू आर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम. टेक मोर देन हाफ एंड ड्रॉ आर्क ऑन बोथ द साइड्स. Don't change the measurement. Keep it on P. Draw an arc and join it. Now you got a center, circumcenter. Now you will keep the pointer here and check all the three vertices are coming on the pointer or not. See here, this, this and this. Okay, see, we will check it. Here, here and here. Yes, all the three vertices are there. So we will construct a circumcircle. So beta, this is the way you have to draw circumcircle. Okay, now let us move to the next question. Now see this question. In triangle LMN, LM is 7.2 centimeter, LM, M is 105, मतलब ये obtuse angle है. MN is 6.4. Here also see the base is LN और angle दिया हुआ है only one M. तो हम इसमें से कोई भी साइड बेस चूज कर सकते हो क्योंकि उसमें एंगल M होना चाहिए. ओके, सो लेट अस चूज LM 7.4. हमारा रफ डायग्राम किस तरह आएगा, फर्स्ट लेट अस सी दैट. Rough diagram will be like this. आपको ऑब्ट्यूज एंगल M के लिए ड्रॉ करना होगा क्योंकि M is 105. So M, LM, sorry, MN भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. So this is 105 degree and the base is 6.4 centimeter and this is 7.2 centimeter. So this is your rough diagram. Now according to rough diagram, we will construct circumcircle. First we will draw base of 6.4 centimeter. 6.4 is somewhere here. MN 6.4 centimeter. Then we will take protractor and we will draw an obtuse angle, 105 obtuse. So 105 is here. So we will draw an obtuse angle. Then we will take compass and take 7.2. आपको 7.2 लेना है बेटा.
So 7.2 is somewhat here. Yeah. Keep it on M because it is LM. इसलिए आप M पे रखोगे and then you will join these two points. I'm sorry. This is L. Now we have to draw perpendicular bisector. अब ये obtuse है, तो any two point you can choose. If you will choose this LM, take more than half and draw perpendicular bisector. Don't change the measurement. Don't change the measurement. You are drawing arc here. Draw on opposite side and joint it. इसे और इसे ज्वाइन करो, पहले चेक करो पॉइंट्स को एंड देन यू विल ज्वाइन. दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, अब एमएन का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो दिस वे एंड ज्वाइंट इट. अभी हमें सर्कम सेंटर कहीं बाहर मिलेगा. देखो, अगर हमने इसको पॉइंट को एक्सटेंड किया तो योर सर्कम सेंटर विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल हियर. दिस इज योर सर्कम सेंटर. ओके, अब हम ज्वाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे सर्कम सर्कल. Keep the pointer here and first check, are all the three vertices touching? Yes, they are touching. Just draw it. Passing through all the three vertices. So this is the way you have to construct a circumcircle of question number 4. You have to be very systematic, accurate, then only you can get a perfect circumcircle. Hope so that you have understood. Now see this question. Construct triangle DEF in which DE equal to EF equal to 6 centimeter. F is 45 and you have to construct a circumcircle. तो बेटा रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले हम, तो एक आइडिया मिल जाएगी कि कैसे ड्रॉ करना है. Now see here, first we will draw a circle. In circumcircle हमको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है. अब जब दो साइड सेम है, now if you will see a triangle when two sides are same, that means it is isosceles. तो इसके बेस एंगल्स भी सेम हो गए. तो अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 ही होगा. सो इफ यू विल सी दिस, सी द रफ डायग्राम ई एफ. अगर एफ 45 है तो डी भी 45 होगा. तो इसका मतलब ई विल बी 90. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. तो यह आपका रफ डायग्राम राइट एंगल होगा. So this is the way you will draw a rough diagram जिसमें EF और DE, DE और EF सेम है. तो इसका मतलब बेस एंगल्स भी सेम हो जाते हैं. इसमें what will be there? This base angles 45 degree है, तो ये भी 45 degree है. अब ये दोनों 45, 90 है, तो remaining angle will be 90. So this is how much? 6 centimeter. This is also 6 centimeter. Now we will construct a circumcircle. पहले आप base draw करोगे.
base is 6 centimeter. EF, immediately isko naming do, EF, and then you will take 90 degree. Draw a line, immediately join it. फिर आप कंपस लोगे एंड अगेन यू विल टेक 6 सेंटीमीटर ऑन द कंपस कीप इट ऑन ई एंड जॉइन कट इट नाउ वी विल जॉइन एफ एन दिस पॉइंट दिस इज डी Okay, so this is 90. This is 6.4, sorry, 6.0, and this is also 6 centimeter. This is 45 degree. Now, how to draw circumcircle? Choose any two sides. Draw the perpendicular bisector. Now, we will draw perpendicular bisector of EF. Take more than half. Cut arc on both the sides. Don't change the measurement. Cut an arc. Now join it. Here. Same method you will do it for DE. Take more than half. Cut it. Don't change the measurement. Cut it both the sides. Okay. Now we will join. So the two are meeting on the hypotenuse. This hypotenuse is the circumcenter. Check whether all the three points are coming on the pointer. Yes, they are. Join it. Draw a circumcircle. So this is the way you will construct circumcircle of a right angle triangle. Okay? Go through the video thrice to understand and construct it in your book. Okay? Till then, bye. Take care.